एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उस एक ट्रिक से आपकी ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम पहचाने कैसे, कि देखते ही किसी रिएक्शन को हम सिंपली देख के कैसे बताएं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसका एक सिंपल सा मेथड है, सिर्फ आपको दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज क्या है कि अगर आपको उस रिएक्शन में बेंजीन या बेंजीन के भाई लोग दिख रहे हैं, बेंजीन के भाई लोग मतलब ये जैसे क्लोरोबेंजीन, ये फिनोल, ये एनिजोल, ये एनिलीन, बेंजीन या बेंजीन के भाई लोग के साथ हमको क्या दिख रहा है, एनहाइड्रस। ये वर्ड पकड़ना है यहां पे, एनहाइड्रस। मोस्ट प्रोबेबली आपको 99% केस में मिलेगा एनहाइड्रस AlCl3, और उसके साथ ये भी मिल सकते हैं, पर 99% आपसे यही पूछा जाएगा AlCl3, यही दिया हुआ है हर जगह लगभग, ठीक है। तो दो चीजें पकड़नी है कि बेंजीन या बेंजीन के भाई लोग इनके साथ क्या हो, इनके साथ हो एनहाइड्रस AlCl3। ये दो चीजें जिस भी रिएक्शन में दिखगी तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है। देखो मैंने अभी अभी बोला कि बेंजीन या बेंजीन के भाई लोग की रिएक्शन होगी, तो हम बेंजीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास मान लो बेंजीन है, बेंजीन क्या होती है, ये सारे ये सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं चारों तरफ, ठीक है, ये अपने पास बेंजीन है। अब इसके नाम में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बन जाएगा, और इसको हमने कराना है सब्स्टिट्यूट कराना है, मतलब इसको चेंज कराना है। तो यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रिएजेंट डाल देंगे। अब रिएजेंट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा। अब ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो हम रिएक्शन को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो मैंने R लिखा है ना, इसको अगर हम चेंज करते रहे तो अलग अलग रिएक्शन बनती रहेगी। अब देखो एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं। देखो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे पहचाना, कि जिसमें बेंजीन या बेंजीन के भाई लोग और एनहाइड्रस ये AlCl3 होगा, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमने देखा कि कैसे ये बेंजीन या बेंजीन के भाई लोग, कुछ भी हो सकता है यहां पे, कैसे उसमें इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ, किसने करवाया, रिएजेंट ने। अब ये जो रिएजेंट है ना, ये R लिखा है, अगर हम इस R की वैल्यू चेंज करते रहें तो अपने पास सारी रिएक्शन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अगर ये R की वैल्यू X2 है तो हैलोजिनेशन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनेशन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन, और ये CH3Cl टाइप का होता है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3COCl टाइप का होता है तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो इस टाइप से, ठीक है। यहां पे देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे कुछ भी हो सकता है इनमें से बेंजीन या बेंजीन के भाई लोग, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, ये वाला होना चाहिए, और फिर हम रिएक्शंस को कैसे याद करेंगे, ये R की वैल्यू ऐसे चेंज करते रहेंगे और अपने पास सारी रिएक्शन बन जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। और ये वाली रिएक्शन कैसे होंगी, अभी भी आपको क्लियरिटी नहीं आई तो मैं नीचे एक PDF डाल रहा हूं, उसको डाउनलोड करके देख लेना, हैंड रिटन ही PDF है, ठीक है। और एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको ध्यान में रखना कि जो ये रिएक्शन है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये दो टाइप की रिएक्शन एनिलीन में, ये दो टाइप की रिएक्शन एनिलीन और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनमें अब्सेंट होगी, ठीक है।